ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित श्री राम कथा अमृत के दूसरे दिन संस्थान के संचालक एवं संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या मानस मर्मज्ञा साध्वी सुश्री जयंती भारती जी ने बताया कि प्रभु श्री राम जी के जीवन पर आधारित अनेकों ही गौरवशाली ग्रंथ हैं, परंतु श्री रामचरितमानस अपने आप में उल्लेखनीय है। श्री रामचरितमानस के सातों कांड प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर कथा का श्रवण करने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज विशेष तौर पर पहुंचे। कथा की समाप्ति प्रभु की आरती से की गई। कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित भगवत प्रेमी इन आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण कर आश्चर्य से भर उठे। इस अवसर पर आप नेता सुशील कुमार रिंकू, करमजीत कौर चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सुरेंद्र कौर, जगबीर बरार, कमलजीत सिंह भाटिया, हर्ष सौंधी, अमित तलवार, राजीव दुग्गल, खेलचंद, दिनेश शर्मा, जगदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, लखबीर सिंह, ओंकार सिंह टिक्का, अरुण होंडा, रोहित होंडा, राकेश शर्मा, मनोज नन्ना, संजीव शर्मा, रोहित अरोड़ा, हेमंत शर्मा, अमृत गिल, डॉक्टर परीना, मेघना कौशल सहित असंख्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कथा में बढ़ चढ़कर हाजिरी भरी। श्री राम, जैसा कि आप सबको पता है कि परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की अनंत कृपा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के समस्त कमेटी मेंबर्स के सहयोग और आप सभी भक्तों के सुप्रयासों से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने 5 दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया है। ये कथा यज्ञ का शुभ प्रारंभ हो चुका है, जिसका आज द्वितीय दिन था। और ये कथा जिसमें प्रभु श्री राम जन्म उत्सव को आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया,
हमारे शास्त्र कहते हैं कि आठ चक्र नव द्वारों की ये पुरी हमारा शरीर है अयोध्यापुरी। लेकिन जब तक राम तत्व घट में प्रकट नहीं होते तब तक हमारी ये अयोध्या सुनी है। इसलिए हमें अपने जीवन को भोगों की पूरी लंका नहीं बनाना है, केवल भोग के लिए अपने जीवन को नहीं जीना है, हमें इसे अयोध्यापुरी बनाना है, भोग से योग की ओर बढ़ना है। और अगर हम योग की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंतर्घट में राम, प्रभु श्री राम को प्रकट करवाना होगा।